दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, TGT का एग्ज़ाम बहुत करीब है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन भी जारी कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको TGT की पूरी तैयारी कराई जाएगी और डीप क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश लिटरेचर के रहेंगे, साथ ही साथ लैंग्वेज के भी और राइटर्स के बारे में, इंडियन राइटर्स के बारे में, फॉरेन राइटर्स के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे इस चैनल के ज़रिए। तो दोस्तों, यहाँ पर डे आपके लिए मेहनत की जाएगी और पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि TGT इस बार आप 100% क्वालिफाई कर ले। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तैयारी इस चैनल के अंतर्गत कराई जाएगी दोस्तों, तो चैनल से जुड़े रहें। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, यहाँ पर इनके कार्य, इनके जीवन के बारे में कुछ डीप बातें और सब कुछ, और इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यदि इस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, तो काम करने में और मज़ा आएगा। तो डेली मैं यहाँ पर आपकी TGT की प्रिपरेशन कराऊँगा और बहुत ही ज़ोरदारी से तैयारी करेंगे हम लोग और 100% सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में बता दें तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में, यानी कि 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वहीं मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई थी। कुछ लोग इनके जन्म और मृत्यु के विषय में श्योर नहीं हैं, लेकिन रिटर्न जो मतलब एग्ज़ाम में जो आपको आंसर सही करना है वो इन्हीं डेट के साथ सही माना जाता है, ठीक है। और ये एक इंग्लिश कवि थे, प्ले राइट मतलब नाटककार थे और दुनिया भर में वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के दुनिया भर में बहुत सम्मान से जाने जाने वाले सबसे बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं, एंड द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट। और ये बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, सबसे पहले प्रसिद्ध होने वाले ये ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। और आपको बता दें कि ये अभिनेता भी थे, जो कि आगे हमें पता चलेगा। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, ये हमें अक्सर इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है या केवल द बार्ड भी इनको कहा जाता है। हिज सर्वाइविंग वर्क्स कंसिस्ट ऑफ 38 प्लेज, अब जो इन्होंने कार्य तो बहुत सारे किए लेकिन जो रिकॉर्डेड हैं, जो पता हैं, वो 38 इन्होंने नाटक लिखे हैं और 154 सॉनेट लिखी है और 38 नाटक लिखे हैं। आपको बता दें कि जो सॉनेट होती है ना, वो 14 लाइंस की पोएम होती है। सबसे पहले सॉनेट पेट्रार्कन ने लिखी थी, इटली के थे ये, और उनके सॉनेट लिखने का ऐसा सिस्टम था कि 8 लाइन का उन्होंने ऑक्टेव लिखा था और फिर जो नेक्स्ट लाइंस थी वो 6 की थी, ठीक है। यानी 8 लाइंस की जो स्टेंजा करोगे उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और देन जो अगला जो उनकी जो स्टेंजा था वो 6 लाइन का था। वहीं जब विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सॉनेट लिखी हैं दोस्तों, तो उनका सिस्टम कुछ ऐसा है, इनके पास है 4 लाइन का, ठीक है, 4 लाइन के 3 स्टेंजा हैं और लास्ट में 2 लाइन, ठीक है, ये इनका सिस्टम है। तो इस तरीके से सॉनेट लिखी गई। जो स्पेशल बात आपको जानने लायक है वो ये कि सॉनेट जो होता है वो 14 लाइंस की एक पोएम होती है। और ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं, ये जो सॉनेट हुए, ओड हुए, बैलड हुए, है ना, एपिक हुए, ये सब का भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत बताएंगे कि उसमें किस में क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उस पर बारीकी से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बात करते हैं। 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम भी लिखी इन्होंने, सेवरल अदर पोएम्स भी लिखी हैं। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में जो विशेष भाषाएं हैं, लगभग हर उन विशेष भाषाओं में इनके कार्यों को ट्रांसलेट किया गया है। ये
आप पढ़ रहे हैं दोस्तों योर ड्रीम इंग्लिश चैनल की तरफ से। तो चलिए आगे बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ और जब ये 18 वर्ष के थे तो इन्होंने शादी करी और इनकी पत्नी का नाम था एनी हैथवे, जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से जो एक बेटी थी सुसाना वो बड़ी थी, और फिर ट्विंस जन्मे हैमनेट और जुडिथ। ठीक है बात। नेक्स्ट यहाँ पे जानेंगे बिटवीन 1585-1592 के दौरान ही बिगेन सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर। तो ये कहा जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अपने जीवन के अंतिम समय के आसपास ये बहुत ज़्यादा अपने प्राइम पर थे, सक्सेस की चरम सीमा पर थे, और ये समय था 1585 से लेकर 1592 ईस्वी तक। सक्सेसफुल करियर रहा इनका, ये एक्टर रहे, लेखक रहे, ओनर ऑफ द प्लेइंग कंपनी, एक नाटक कंपनी के ओनर थे, और लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर नोन एज किंग्स मैन के नाम से जाना गया। ही अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड एट स्ट्रैटफोर्ड अराउंड 1613। इन्होंने अपने इन सभी कार्यों से रिटायरमेंट ले लिया लगभग 1613 ईस्वी के आसपास, और वहीं इनकी 3 वर्षों बाद मृत्यु हो गई, और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल को। तो दोस्तों ये बारीक बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका डीप और अध्ययन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ वर्क्स के बारे में जानेंगे, लिटरेरी टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जैसे सोनेट, लिरिक, बैलड, ओड, एपिक, इन सब के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो दोस्तों अगर प्यार मिलता है तो काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है, और आपके लिए मैं यहाँ पर तत्पर रहूँगा और फुल कम से कम लिटरेचर के 1000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बारीक बारीक जो कि TGT से रिलेट करती हुई ही बातें होंगी। तो दोस्तों कर दीजिए लाइक अगर वीडियो सच में पसंद आया। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।